गुड इवनिंग। दूसरी क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है। आप लोगों की पहली क्लास 6 बजे छूटती है ना, तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक और उसके बाद हम लोग सेकंड क्लास शुरू करेंगे। तो 6:15 के आसपास दूसरी क्लास शुरू होगी हम लोग की, 6:15 से 8 ये रेगुलर टाइमिंग होगा। ठीक है, पहले तो होमवर्क के बारे में बात करते हैं, फिर आप लोगों के कुछ कॉमन क्वेरीज आ रहे हैं बुक लिस्ट को लेकर के, मतलब ऑनलाइन जो है उनके भी और आप लोगों के भी, उसको हम लोग करेंगे। मैंने आपको बड़ा बोला था आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ करके आएंगे ISFR का, और मैंने उसका जीस्ट भी दिया हुआ था। पढ़ा सभी ने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? नहीं पढ़ा, समय नहीं मिला। पढ़ लिया ना सभी ने? पढ़ा किसने किसने? नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? तो ग्रुप में ऐड किया गया था ना आप लोगों को कल, उसके बाद भेजा ही नहीं किसी ने। अरे तो मैसेज करना चाहिए था ना कि सर ग्रुप में, मतलब वो दोबारा सेंड करो। बाकी ग्रुप में लोग मतलब तब तक तबाही मचा रहे होते हैं जब तक उनको उनका PDF नहीं मिल जाता। खैर, आपको मैंने वेबसाइट भी तो बताया था forestsurveyofindia.fsi.nic.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे और वहीं से आपको अगला जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो मिलेगा। देखो, एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। आगे का काम इन द सेंस, जब 2023 का रिपोर्ट आएगा ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, एटलीस्ट डेफिनेशन वाला पार्ट। और मैंने तो कई सारी परिभाषाएं जो अभी मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, कुछ आज पूरी हो जाएंगी। जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो शुरुआत में पढ़ा, जैसे मणिकंदन आप उठा करके देखोगे ना, देखा किसने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको लगभग 30-35 पेज के आसपास या उसके बाद दिखाई देगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वो सिल्विकल्चर से करता है, बट मैंने स्टार्टिंग किया है फॉरेस्ट्री से, ताकि आपकी जो समझ है विषय की वो ज़्यादा बेहतर हो। मैंने कभी पहली बार जब मणिकंदन पढ़ा था, मैंने भी पहले पेज से पढ़ना शुरू किया था। अब हम लोग बीच से पढ़ रहे हैं ताकि विषय जो है वो आसान हो। ठीक है, तो इसको और आसान करने के लिए आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, आप क्यों इस सेवा में जाना चाहते हैं वो पता होना चाहिए ना पहले। ठीक है, तो अब आपकी कल छुट्टी होगी, परसों छुट्टी होगी, 2 दिन में आपका ये काम होगा कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ करके आएंगे। किसका? ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को। उसमें जितने भी टर्म्स हैं वो अगर आपको समझ में आते हैं अच्छी बात, जो समझ में नहीं आए वो कोशिश करेंगे समझने का, नहीं तो आप मेरे को मंडे को पूछेंगे। अच्छा, मंडे को तो पंकज सर की क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट वीक पंकज सर आपको पढ़ाएंगे जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है फॉरेस्ट का, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा। अभी हम लोग थोड़ा सा रोटेशन पे चलेंगे ताकि आप विषय में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। दोनों पर्सपेक्टिव पढ़ना है ना, साइंटिफिक मैं ले रहा हूँ, जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है वो पंकज सर ले रहे होंगे। तो मंडे से आपकी नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें उसकी क्लास हो रही होगी, और वो है सर शुरू कर रहे होंगे आपको एग्रोफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्राइबोलॉजी, ये वाला सेक्शन शायद सर पढ़ा रहे होंगे, और उसके बाद सॉइल वाला जो पार्ट है ना वो सर पढ़ा रहे होंगे। थोड़ा हम सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन में आएगा। सोशल फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि भारत में सोशल फॉरेस्ट्री टर्म कब आया था, कब आया था कोई बता सकता है? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, उसने बताया था सबसे पहले ना सामाजिक वानिकी के बारे में। मैं लिखाऊंगा, घबराओ मत, पहले तो होमवर्क चेक करूंगा। बताओ 6 राष्ट्रीयकृत उत्पाद जो हैं मुख्य वनोपज, उनके नाम याद करने के लिए मैंने बोला था। इनके बोल रहे हैं कि ग्रुप में नोट्स, सर मैं आज फिर से भेज देता हूँ नोट्स आप लोगों को, जितने लोग आप लोग भी ऐड हुए हो आप लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ 6 राष्ट्रीयकृत उत्पाद मुख्य उत्पाद, साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा और खैर। ठीक है, पहला जो है वो है साल, इसका बॉटनिकल नेम बताओ मेरे को, शोरिया, सभी को याद है? देखो ये जो 6 है ना, ये कहीं ना कहीं तो आएंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था परसों, उस पर आपको ये मिला था ना, और इससे वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जा रहा था। तो आपको साइंटिफिक नेम कुछ जो कॉमन है वो तो याद करने पड़ेंगे। सभी को याद हुए नहीं हुए, कोई ऐसा जिसको समस्या हो रही है? 6 के 6 मैडम, आपकी पहली क्लास है? अच्छा पहली क्लास है, कोई बात नहीं, आप अभी याद करोगे। ठीक है, और बाकी जो सेकंड क्लास है आप लोग याद है ना? ठीक है, चलो पहला साल, फिर सागौन या सागवान जो भी लिखते हैं इसको, ठीक है, सागौन, इसका क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस, ये जो नाम है ये उनके लिए आसान हो जाएगा। मैं लिख सही रहा हूँ ना,
वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका हम लोगों ने सीखा था, सही लिख रहा हूँ, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स होगा, जो अब गलती आपके नोट्स में हुई है, जो आपको मिला हुआ है, ठीक है। सागौन, इसका अंग्रेजी में नाम होता है टीक, बहुत ही पॉपुलर है, यही है जो आपके घर में गाड़ियों का ब्रांड डिसाइड कर रहा होगा भविष्य में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, अपने को सरकारी गाड़ी में ही घूमना है, ठीक है। चलो, खैर, टीक बहुत ही ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है इसका, खास करके जो ज़्यादा उम्र के टीक के पेड़ होते हैं ना, वो आपने सुना है नीलांबर टीक प्लांटेशन, नीलांबर डिस्ट्रिक्ट या नीलांबूर भी कहा जाता है, कोयम्बटूर की जस्ट ऊपर में है नीलांबूर, ठीक है, जहाँ कैसफोस है ना, सेंट्रल अकाउंटी ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, या जो जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होती है एसएफ रेंजर की, उसके जस्ट नॉर्दर्न में, कौन से स्टेट में, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक नहीं सर, तमिलनाडु, वही तो मैं कर्नाटक में बोल रहा हूँ, बताओ गड़बड़ हो रहा है। साल सागौन, फिर आपने बोला शीशम, क्या है, डलबर्जिया लैटीफोलिया भी हो सकता है या सिस्सो भी हो सकता है, ठीक है। ये लैटीफोलिया एक प्रजाति है और एक डलबर्जिया सिस्सो है, बहुत सारी प्रजाति होती है, ठीक है, तो ये एक प्रजाति है और ये एक प्रजाति है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। डलबर्जिया ये जीनस है और सिस्सो और लैटीफोलिया ये स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है इसको, ठीक है। साल सागौन शीशम साजा, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, टर्मिनेलिया टर्मिनेलिया टूर्मेंटोसम या टॉर्मेंटोसा, ठीक है, चलेगा दोनों, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको, टर्मिनेलिया पता होना चाहिए, ठीक है, ये जीनस पता होना चाहिए, स्पीशीज होगी बहुत वेरी करती हुई, आपने अपने ज़िंदगी में आम की बहुत सारी वैरायटीज़ देखी होंगी, मैंगो और राइस, ये दो प्लांट है जिनके इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाएगी, आपने देखा होगा दसहरी, तोताफरी, लंगड़ा, लूला, कान्हा, मतलब कितने सारे वैरायटी होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है, तो ये ठीक, तो आपने एक दो तीन चार, पांचवा बीजा और छठवां जो है वो है खैर, ठीक है, बताओ बीजा का वैज्ञानिक नाम, ए पेट्रो पेट्रोल वेट्रोल नहीं लगाना है, टेरोकार्पस, टेरोकार्पस मार्सू पीएम, ठीक है, ये हो गया, और अगला पेट्रोनी है, टेरोकार्पस, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला आप लिख रहे हो क्या, लिखो, या आप सिर्फ टेरोकार्पस स्पीशीज भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीशीज होंगे, ठीक है। खैर, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको अकेसिया कैटाचू, क्यों, क्योंकि अगर मैं अकेसिया निलोटिका बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बबूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो नाम हैं ये लिखने पड़ेंगे, आपको याद हो गए, देखो आधा काम तो हो गया, मैथ द फॉलोइंग में आएगा तो दो तो कम से कम यहाँ से आ रहा है, दो बाकी जो हैं ये धीरे धीरे जब तक ये फॉरेस्ट्री की क्लास होगी आपको कम से कम 50 तो मैं याद करा दूंगा, 6 आज हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम आप जानते हो, मैंजीफेरा इंडिका, और मैंने तेंदू के बारे में बताया था, क्या, हाँ, तेंदू का डायोस्पाइरस मेलानो जाइलॉन, डायोस्पाइरस मेलानो जाइलॉन, तो ये भी आप कहीं पे लिख लो इनके अलावा, ठीक है। तो सात हम लोगों ने याद कर लिए, और जो बाकी मेंजी वेंजी हैं ये सब तो बाद में करते रहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलो, शूरिया रोबस्टा हो गया, ठीक। चलो, आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं किताब को लेकर के, तो मैं अभी बोलूँगा कि आप दो चीज़ों पे फोकस करो, सबसे पहला जो विषय है वो है फॉरेस्ट्री, जो आप क्लास में कर रहे हो आप तो भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर कि मैं पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लिख करके आ रहा हूँ, तो मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ ना वो ठीक ठाक है एकदम, जो आपका नोट्स है उसका 80% सोर्स एक ही किताब है, ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, जैसे ऑनलाइन वाले हैं उनको भी इस चीज़ में गाइडलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो 80% जो सोर्स है वो है मणिकंदन एंड प्रभु की जो किताब है, ये आप पढ़ सकते हो सीधे, ठीक है।
दूसरा जो है वो, उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस हैं, मतलब फॉरेस्ट्री की और भी सारी किताबें हैं, जैसे एक विजय कुमार की और ऐसे बहुत सारे, बट आप मेजरली इससे तैयारी कर सकते हो इस वाले किताब से, ठीक है। आसान होगा कि आप नोट्स बना लो, मतलब जो ऑनलाइन है वो लोग, आप लोग तो नोट्स बना ही रहे हो। दूसरा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है एग्रीकल्चर। इसमें सबसे आसान किताब जो है वो नीमराज सुंडा है, मैं ले करके भी आया हूँ आज। इंटरेस्टिंग है, हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे थे, फॉरेस्ट्री में कोई हिंदी मीडियम किताब नहीं है, नीमराज सुंडा ये हिंदी मीडियम की किताब, हिंदी में आपको लोगों को मिल जाएगी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये किताब मतलब लगभग सारे टॉपिक्स कवर करता है, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, तो उसमें आपको समस्या होगी, मतलब ये आपके प्रिपरेशन को 60-70% तक पहुंचा सकता है इस अकेले किताब को पढ़ोगे। और ऐसा नहीं है कि किताब छोटा मोटा है, लगभग 400 के आसपास पेजेस हैं इसमें, अंग्रेजी में भी आता है और हिंदी में भी आता है, ठीक है। दो लोगों ने लिखा है, नीमराज सुंडा और एएल जाट, ये वाली किताब अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। बाकी क्लास में मैं आपको इसको सिंपल करके नोट्स बनवा करके दूंगा, ठीक है, हस्तलिखित नोट, कोई छाप वाप करके नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको छाप करके दूंगा तो नहीं। अगर कोई ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड का है और आप चाहते हो अपने एग्रीकल्चर की तैयारी को एक नॉच और ऊपर ले जाने के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हो, अरुण कात्यायन। किसने देखी ये किताब? नहीं देखी तो देखना भी नहीं, आप लोग तो मत ही खरीदना, ठीक है। अरुण कात्यायन की किताब है ये भी, मैं आप लोगों के लिए उस समय आपके नोट्स में इसके जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इनकॉर्पोरेट करा दूंगा, ठीक है। और इसमें भी दो वॉल्यूम आती है, एक वॉल्यूम वन और एक वॉल्यूम टू, तो ये वॉल्यूम टू है, ठीक है। इसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, इटमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग है जो मेजर पोर्शन है। पार्ट वन नहीं लेकर के आया मैं, पार्ट टू जो है वो मेजर पोर्शन जो आपके एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो ये कवर करता है। ये कौन पढ़ता है? जो एमएससी कर रहा होता है एग्रीकल्चर में या बीएससी एग्रीकल्चर में। आपको एमएससी बीएससी करना है क्या? नहीं, आपको एग्जाम निकालना है, तो 200 पेज के आसपास आप एक नोट्स बनाओगे, 100-200 पेज के आसपास में, जो आपके हाथ से लिखी हुई होगी, आसान शब्दों में लिखी होगी, आपको याद करना है और जा करके वहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके अलावा और कौन से विषय हैं? ये हो गया सातवां, ये हो गया छठवां, पाँचवा जो है वो है इन्वायरमेंट, और चौथा जो, इसके लिए कक्षा 12वीं की NCERT के चैप्टर नंबर 13 से लेकर के 16, 13, 14, 15 और 16, ये चार चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपके पास नहीं है, देखो नई वाली NCERT जो वेबसाइट पे, उसको चैप्टर नंबर 16 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये हटा दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि CGPSC 2023 में चैप्टर नंबर 16 से दो क्वेश्चन हूबहू उतार लिए गए हैं। एक तो एग्जॉस्ट वाला, व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो साइलेंसर होता है उसमें कौन सा मेटल है, इसमें दिया हुआ है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, और उसका एक पेज पलटोगे अगला तो उसमें एल्गल ब्लूम के बारे में दिया हुआ है। पॉल्यूशन वाला चैप्टर, चैप्टर 16 ये नया से हटा दिया गया है, तो आपको कहाँ मिलेगा ये चारों चैप्टर? पुरानी NCERT में, ठीक है। पुरानी मतलब वो कोविड से पहले वाली NCERT, कोविड के बाद बस्ता हल्का करने के लिए सरकार ने बहुत सा चैप्टर हटाया ना, और कम ड्यूरेशन में तैयारी करने के लिए, तो उसमें से ये एक चैप्टर है जिसकी बलि दी गई है। अच्छा चैप्टर है पॉल्यूशन। नहीं तो आप किसी भी स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट की किताब जो आप पढ़ते हो, जैसे कुछ लोग UPSC की तैयारी कर रहे हो तो शंकर IAS की किताब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी किताब है, उस किताब में भी आपको मिल जाएगा। या तो कई लोग हिंदी मीडियम से हैं, आप दृष्टि की किताब पढ़ रहे हो, दृष्टि की किताब में भी ये मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का आधार क्या है? NCERT। आपने पता है ना कि UPSC स्टैंडर्ड NCERT को लेकर के चल रहा होता है, CGPSC भी UPSC के तर्ज पे जा रहा है, चैप्टर 16 कक्षा 12वीं NCERT, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ तो ये हो जाएगा। अब अगला जो सब्जेक्ट बचा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्टैंडर्ड सोर्स तो नहीं है, आप मार्केट में आ रही किसी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित किताब को ले सकते हो और जो करंट अफेयर उसको फॉलो कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है न्यूज़पेपर, इस चीज़ को ध्यान देना। आप अखबार पढ़ते रहोगे, रिसेंटली जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट चल रहा होगा कि चंद्रयान चल रहा है, मंगलयान चल रहा है, फिर सोलर मिशन जो है आदित्य L1, ये सारी चीज़ें, किससे भेजा जा रहा है, PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, फिर SLV क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। Mark 1, Mark 2, Mark 3 इस तरीके की चीज़ें भी चल रही होती हैं, फिर लोग इसमें दावा भी कर रहे होते हैं और आपत्ति भी कर रहे होते हैं, चल रहा है मार्केट में, ठीक है। चलो फिर अगला जो है
वो है तीसरा हिस्सा बायोलॉजी का और दूसरा हिस्सा केमिस्ट्री का, पहला हिस्सा फिजिक्स का। फिजिक्स पहला इसलिए लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम आप लोग जो तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इस विषय को तो सबसे ज़्यादा दुरुस्त करो, जो नहीं है वो भी इसको दुरुस्त करो। सवाल आसान आते हैं, मतलब इसका कॉम्पिटिशन में रहना और न रहना है बराबर है। लास्ट ईयर जो बायो बैकग्राउंड से था उसने भी 19-20 21 में से लगा रखे थे, जो फिजिक्स बैकग्राउंड का था उसने भी 19-20 कर रखे थे। देखो आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो इतना प्रेशर होता है कि 21 में से 21 सही नहीं होता है ना, कुछ बेसिक से मिस्टेक होते हैं। आप तो छोड़ो, आयोग ने भी फिजिक्स का एक बहुत बेसिक सा सवाल उसका आंसर गलत ले रखा था, पता नहीं बाद में सुधारा नहीं सुधारा, मैंने चेक नहीं किया। ये अगला जो हिस्सा है केमिस्ट्री, फिजिक्स का सोर्स क्या होगा? एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10th पहले, और उसके बाद आप कुछ टॉपिक्स के लिए 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ोगे। केमिस्ट्री के लिए सेम, आप क्लास 10th के एनसीईआरटी पहले पढ़ोगे और उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके लिए 11th 12th के टॉपिक्स पढ़ोगे। खास करके ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है ना और जो मेटल नॉन मेटल वाला हिस्सा है उसके लिए आप हायर लेवल की एनसीईआरटी पढ़ोगे। बायोलॉजी पूरी तरह से कक्षा 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी और उसका थरो स्टडी, मतलब उसमें जो भी टॉपिक्स, अगर आप चाहो तो आप कुछ, जैसे आपने सुना होगा जो नीट की तैयारी कर रखे हैं सर, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, देखा है ना वो किताब, देखा होगा ना, ये ऐसी कुछ किताबें बायोलॉजी के लिए आपको हेल्प करेगी। आप रेट्रोग्रेसिव स्टडी कर सकते हो, पहले सवाल लगा सकते हो जो चीज़ समझ नहीं आई फिर बाद में उसको करा सकते हो। जैसे आपको कुछ समय के बाद बायोलॉजी पढ़ाने के लिए डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर अतुल भी आएंगे, तो उन, जैसे डॉक्टर अतुल जो हैं वो आपको जूलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा रहे होंगे, तो वो काफ़ी समय से नीट में भी पढ़ा रहे हैं दोनों के दोनों, तो उनका जो पढ़ाने का अप्रोच है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाला है। जैसे हम लोग जो छत्तीसगढ़ पीएससी में थोड़ा सब्जेक्टिव अंदाज में पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें तो उसमें वो लोग बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उससे आंसर निकालना जाता है। आपको तो आंसर ही निकालना है ना, एक ही एग्जाम है उसमें से आंसर निकल गया और वही आपका मेरिट बना रहा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन सब्जेक्ट हैं, इसका सोर्स क्या होगा? एनसीईआरटी। बाकी क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन वाले भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर की क्लास पहले फॉरेस्ट्री तो पढ़ लो, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले आप लोग भी ये ध्यान देना, और अगर कोई बाद में जुड़ता है तो वो इसको देख ले। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास से। कल की क्लास में लास्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा एक और चीज़ आप लोगों के लिए, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरेस्ट का बायोटिक वाला पार्ट, और जो ए बायोटिक या फिजिकल या फिजियोग्राफी वाला पार्ट है वो पंकज सर पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिख रहे हो और मंडे से उसी कॉपी में आगे लिखना शुरू कर दिया, एक अलग कॉपी बनाना। वैसे भी आपकी दो कॉपी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो आप एक अलग कॉपी बनाना पंकज सर जो पढ़ाएंगे उसके लिए, और मेरी जो कॉपी चल रही है वो अलग चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब क्लासेस खत्म हो जाएगी आप नोट्स के साथ नहीं होगे ना, तो आप मार्केट में भटक रहे होगे किताबों के लिए। जैसे बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मेजरली ये लग रहा है कि हम लोग मतलब किताबों से पढ़ेंगे और ऐसा, वो बहुत वेग हो जाता है प्रिपरेशन, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें ठीक नहीं होंगी या बिना रिवीजन के चीज़ें चली जाएंगी। आपको आज के समय पे 6 जो राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद हैं, क्या बोलते हैं, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, याद है ना, एक सप्ताह के बाद मैं पूछूंगा ना तो 6 का 5 हो जाएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे तो, और एक महीने बाद पूछूंगा तो 6 का 3 भी हो सकता है। तो रिवीजन की है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ईमानदारी से बताओ। आपके सारे के सारे ग्रेजुएट हो, बहुत लंबी पढ़ाई की जर्नी आपकी रही, ऐसा होता है ना एक महीने तक रिवीजन ना हो तो आप चीज़ें भूल जाते हो। और एकदम ईमानदारी की बात है कि बायो ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ों को याद भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और वैसे आपके पास नोट्स रहा होगा तो आप तो एग्ज़ाम की एक रात पहले पढ़ करके अगले दिन पेपर में उड़ेल करके आने का भी अनुभव रखते हो कॉलेज में, तो वो काम भी हो जाएगा। तो नोट्स अच्छे से तैयार करो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। ISFR अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं लेकर के आया था लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, अगली क्लास में पढ़ करके आओगे ना, अभी तो एम्पल ऑफ समय होगा, तो ये पढ़ करके आना। नहीं तो ये वाला जो जीस्ट मैंने दिया था ना आप लोगों को, आप सिर्फ इसको पढ़ लेना एक बार, जब डिटेल्ड आएगा अभी कुछ समय में ही आ जाएगा तो मैं उसके बारे में एकदम डिटेल्ड में डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होगा जो आपको बहुत ज़्यादा सवाल दे देगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में सिर्फ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई होती हैं, मतलब पूरे फॉरेस्ट्री डोमेन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो ISFR में लिखी हुई थी। तो एक अच्छा सोर्स है फॉरेस्ट्री तैयार करने का, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक सर, क्या बोला आपने?
वनों का वर्गीकरण 8 आयाम बताए थे मैंने, 8 आयाम पर वनों का वर्गीकरण होगा, उसमें से कौन सा था? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वनों के दो प्रकार होते हैं, पहला प्योर शुद्ध वन और दूसरा मिक्स वन। और जो मिक्स फॉरेस्ट होता है उसमें भी तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा एसेसरी और तीसरा ऑक्सिलरी। जो प्रिंसिपल स्पीशीज है जिसको मुख्य स्पीशीज कहा जाता है वो आप वहां पे भी जो मिक्स लिखा है यहाँ पे फिर से उस चीज को रिपीट करके लिख सकते हो, लिखो आप, क्योंकि पहले मैंने आपके नोट्स में लिखाया है ना, मिक्स फॉरेस्ट के कुछ स्पीशीज होते हैं, पहला लिखो, मतलब मिक्स फॉरेस्ट में लिखो, दे कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ स्पीशीज, यहाँ तीन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, पहला प्रमुख स्पीशीज, दूसरा मतलब पहला प्रमुख प्रजातियां, दूसरा सहायक प्रजातियां, तीसरा अन्य प्रजातियां। फर्स्ट प्रिंसिपल स्पीशीज, सेकंड ऑक्सिलरी स्पीशीज, सॉरी सेकंड एसेसरी स्पीशीज एंड थर्ड ऑक्सिलरी स्पीशीज। प्रिंसिपल स्पीशीज जो सिल्वी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वैल्यू की होगी, ठीक है, सिल्वर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वैल्यू की होगी और धीरे धीरे वैल्यू घटता जाएगा। जो एसेसरी स्पीसीज होगी उनकी वैल्यू कम होगी और जो ये है प्रमुख, ये है सहायक और ये है अन्य, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी लिख लेना इस चीज को, ठीक है। ऑक्सिलरी स्पीशीज अन्य प्रजातियां, इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इनकी वैल्यू इससे कम, इनकी वैल्यू सबसे कम, आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि इनमें से कौन से स्पीशीज हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, अगला लिखोगे आप चौथा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, चौथा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सबसे बड़ा वन स्वामी, वनों का मालिक भारत में कौन? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, भारत सरकार। तो इसमें पहला जो होगा वो होगा गवर्नमेंट ओन्ड, सरकार के स्वामित्व वाले वन। अब आप पूछोगे सरकार क्या है, मैं बोलूंगा संविधान का आर्टिकल 12 पढ़ करके आओ, स्टेट का जो डेफिनेशन है ना वही है सरकार। मतलब यहां पर कौन कौन आएंगे? यूनियन और बेसिकली स्टेट, ठीक है, लोकल बॉडीज को आप थोड़ा सा संभाल के रखो क्योंकि बाद में पंचायत को भी हम लोग देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब जो अभी मैं बता रहा था ना एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी, उन्होंने क्या किया, कुछ स्वामित्व लोकल गवर्नमेंट को दे दिया ताकि वनों पर निर्भरता कम, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप यहाँ पे देखो, सरकार के स्वामित्व वाले वन, भारत में उपस्थित लगभग 96% वन सरकार के पास हैं, गवर्नमेंट ओन्ड हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। क्या जमीन के केस में ऐसा है?
लैंड के केस में ऐसा है, जैसे आपको मैं ये बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लगभग 44% वन है, 100 में से 44% वन है और बाकी जो बचे 56% ये सामान्य भूमि है। इनमें सरकार का स्वामित्व किस में ज़्यादा है, वन में या सामान्य भूमि में? वन में। और इस 44 में लगभग 42% के आसपास तो सरकार के पास है, 2% जो है वो कम्युनिटी और इधर उधर जो अलग लगाते हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है जमीन वो निजी स्वामित्व के अंदर है, खास करके जो कृषि और उद्योग से संबंधित जमीन है और घर जो रिहायशी है, सबसे ज़्यादा तो कृषि योग्य भूमि है, आपको पता है ना, तो मैक्सिमम जो लैंड यहाँ पर है ना, और हमारे यहाँ तो कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जो लैंड है वो किसके पास है, निजी स्वामित्व के अंदर। तो वन में जो स्वामित्व होता है किसका, सरकार का, वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक सवाल बनता है, दूसरा आप लिखोगे कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वन, अच्छा एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ में किस या किसके पास वनों का स्वामित्व सर्वाधिक है, निजी व्यक्तियों के पास, शासन के पास, या फिर जो नगरीय निकाय हैं उनके पास, या अन्य के पास, आप इसका जवाब क्या बोलोगे, शासन। तो भारत के लिए जो अप्लाई होता है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, तो इस चीज़ को आप कहीं पे नोट करके भी लिख सकते हो ताकि बाद में अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो आपको पता हो कि शासन के पास वनों का स्वामित्व सर्वाधिक होता है, या वनों का स्वामित्व सर्वाधिक शासन के पास है। ठीक है, अगला जो है वो है पंचायत ओन्ड फॉरेस्ट। अच्छा कम्युनिटी फॉरेस्ट में आपने पूरा नहीं लिखा ना, आप इसमें लिखोगे किसी समुदाय के स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले वन, दोस फॉरेस्ट दैट कम अंडर अ कम्युनिटी। अब आप ये बताओ कि कोई कम्युनिटी या समुदाय जो है वो वनों का संरक्षण क्यों करेगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ या उद्देश्य तो होगा, क्या स्वार्थ होगा या क्या उद्देश्य होगा? फूड, वुड मतलब कमर्शियल, ठीक है, जैसे कि इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, इनको लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, फायरवुड, ठीक है, तो जलाने की जो लकड़ी है वो इन लोग अपने सामुदायिक जो वन है उससे ले लेंगे और सबका बारी बारी से लगा देंगे कि इस दिन रामू लेगा, उस दिन हरिया लेगा, इस दिन श्यामू लेगा, और उनकी जो जलाने की लकड़ी है उसकी आवश्यकता यहाँ से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप गांव में देखोगे ट्रेडिशनल मेडिसिन, खास करके जो ट्राइबल विलेज है उनके अंदर ट्रेडिशनल जो परंपरागत दवाइयां होती हैं वो इन जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है वहां से ली जाती हैं, तो इसका भी एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव हो गया, मेडिसिन या चारे, ठीक है, इसके बारे में और विस्तार में आपको पंकज सर बताएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कम्युनिटी जो फॉरेस्ट है ना ये अपने आप में एक टॉपिक है, फॉरेस्ट्री के अंदर बहुत विस्तार से पढ़ना है इसको हम लोगों को। खैर कमर्शियल तो हो गया, लेकिन सिर्फ क्या हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने कमर्शियल या जो हमारे वाणिज्यिक इंटरेस्ट हैं, इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वनों को उगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं सर, मतलब वो है, उसके अलावा समुदाय मतलब गांव का आदमी है, ठीक है, रामू गांव में बैठा है एकदम छत्तीसगढ़ के कोने में, उसको आप बोलोगे ऑक्सीजन मिल रहा है तो बोलेगा भग का ऑक्सीजन, ऐसा टाइप वाला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या सर हो गया ना, और कितना खाओगे कमर्शियल हो गया वो सारा, एक थोड़े अलग डोमेन में निकलो, गांव वाले जंगल से क्या अपेक्षा करते हैं, देवी देवता, ठीक है, रिलीजियस देवगुड़ी, और आप चाहो तो ये डाल ही दो, इकोलॉजिकल अच्छा दिख रहा है, एस्थेटिकल पर्पस, ऑक्सीजन वगैरह ऐसा, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के उद्देश्य ये होते हैं। ये इकोलॉजिकल वाला जो है ना ये बिलासपुर के अंदर अप्लाई होगा, वो गांव में नहीं, रामू के गांव में सब नहीं होगा, ये इधर
राहुल के गांव में होगा, मतलब राहुल के शहर में, ठीक है। रामू से राहुल की जो जर्नी है वो आप समझते हो क्या है। तो इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव इधर का, रिलीजियस बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आप देखोगे कई समुदाय के जंगल ऐसे होते हैं जहाँ से लोग एक पत्ता नहीं उठाते हैं, पूरी तरह से कंजर्व कर रखते हैं, गाय बैल बकरी को चराने नहीं ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवी का प्रकोप आ जाता है। सुना है ऐसा आपके गांव के आसपास? ये देखिए, खास करके अगर आप सरगुजा या बस्तर संभाग से आते हैं तो वहाँ ऐसी प्रथाएं दिखेंगी। अगर आप तमिलनाडु में जाकर के देखोगे तो ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है। तभी तो वो लोग पिक्चर बना रहे हैं, कांतारा देखा है ना सभी ने, तो वैसा, ठीक। चलो, ये हो गया कम्युनिटी। अगला जो है वो है पंचायत, पंचायत फॉरेस्ट। तीसरा जो है वो है पंचायत फॉरेस्ट। पंचायत के स्वामित्व वाले वन, इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा जो पंचायत में रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जमीन किसकी होगी? पंचायत की, मतलब सरकारी। और पंचायत चाहे तो उस पर कुछ कर वगैरह ले सकता है, अथवा ना भी ले तो कोई बात नहीं। और इसमें सामान्यतः वन के अलावा, मतलब ऐसे ज़रूरत की चीज़ों के अलावा, उन लोग रिक्रिएशन के लिए भी चीज़ें बना देते हैं, पार्क, गार्डन वगैरह ये सब, या मंदिरों के आसपास पेड़ लगा देना। देखा होगा आप लोगों ने गांव में कि पंचायत जो है मंदिर के आसपास जो खाली भूमि होती है उसमें लगा देती है, फिर विधायक जी का एक नाम तख्ती लगा देती है कि अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया, तो फिर उसको कोई उखाड़ता भी नहीं है, विधायक का पेड़ है, ठीक है। देखा होगा ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर विधायक चेंज, फिर उस तख्ती को पलट देते हैं उन लोग और उसके पीछे किसी और का नाम लिखा होता है। देखा होगा ये, या तो आपने देखा होगा कि जो वन विभाग होता है वो पंचायत को मदद कर रहा होता है प्लांटेशन के लिए, क्योंकि अपने अपने टारगेट्स होते हैं अलग अलग मदों से, जैसे कैंपा वगैरह से, तो पंचायत की भूमि उसमें वन लगाने के लिए फिर एक महोत्सव होता है, पूरे गांव वाले को बुलाते हैं, आओ भाई पेड़ लगाएंगे आज। तो एक कोई ऐसे टोंगरी उंगरी वाला जगह होता है उसमें गड्ढा वड्ढा करके वन विभाग हेल्प कर रहा होता है, बस आपको पेड़ को रखना होता है, बाकी सब उन लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिर अगले दिन वही पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह दूसरे टोंगरी में, ठीक है। तो ये सारे काम, तो ये हो गया पंचायत। अगला जो लिखोगे वो लिखोगे निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। चौथा प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन, फॉरेस्ट ओन्ड बाई पब्लिक एंटिटी। सॉरी, पब्लिक नहीं, प्राइवेट फॉरेस्ट ओन्ड बाई प्राइवेट एंटिटी, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले वन। सामान्यतः कोई निजी व्यक्ति पेड़ क्यों लगाएगा? कोई व्यक्ति, जैसे आप क्यों पेड़ लगाओगे? शौक शौक में नहीं लगाओगे सर मतलब एक लगाओगे ना, बहुत बड़ा जंगल, अपन जंगल की बात कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस। आपका पेपर का उद्योग होगा, ठीक है, आप फल के बड़े व्यापारी होगे, तो ऐसा कुछ कुछ हो गया, आप जूस बनाना चाहते हो, सॉस बनाना चाहते हो, कुछ तो बनाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप, या आप रेशम की खेती कर रहे हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? रेशम के कीट पालन करने तो पहले आपको शहतूत का जंगल स्थापित करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें। तो आप लिखोगे वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु, उदाहरण पेपर मिल। आपको क्या लगता है प्लाईवुड कंपनी वाले कहाँ से ला रहे हैं लकड़ी? जंगल से खुद लगा के रखे हैं किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रजाति वहाँ लगाई जाती है, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। तो लिख देना दूसरा लंबर इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग। देखो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल दिखेंगे आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो जो बेसिक फॉरेस्ट्री की जो सवाल है वो वहीं से आते हैं। अगला लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शन, पांचवा है ये ना, टोटल आठ मैं बताऊंगा, बस मणिकंदन में सात दे रखे हैं, मैं आपको आठ बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन क्या? फंक्शन, कार्य के आधार पर वनों के प्रकार।
वनों के क्या क्या कार्य होते हैं, वनों के क्या क्या कार्य होते हैं, आपने अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा वो निजी स्तर पर, ये डिसाइड करेगा सरकार। सरकार ने डिसाइड किया है दो बार, या सरकार ने इस चीज को विभाजित किया है दो बार। पहला इन्होंने विभाजित किया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। तो आप पहला डालोगे अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इतना ही अपने आप में एक सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो आप बोलोगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1952 में आई थी। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय वन नीति 1952 वनों को कितने प्रकार में बांटती है? तो आप बोलोगे चार प्रकार में। आप लिखोगे इस नीति के आधार पर वनों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। पहला जो है वो है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, रक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन नेशनल फॉरेस्ट, राष्ट्रीय वन नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा जो है ग्रामीण वन, और चौथा वृक्ष आच्छादन ट्री कवर। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतने वन थे। ये ट्री कवर तो आपको याद है ना, ग्रीन कवर कितना होना चाहिए, 33%, इन्हीं ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला आप लिखोगे नेशनल, मतलब दूसरा, ये पहला हो गया ना, यहां पर ऐसा दूसरा लिखना नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976। अपने आप में ये सवाल है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब बनाया गया था? ये सामाजिक वानिकी के बारे में पहली बार बात करता है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत में सामाजिक वानिकी जो है वो कब शुरू की गई थी, 1976 में, या ये शब्द कब आया था, 1976 में। और इसके चेयरमैन कौन थे, NR मिर्धा। और बना कब था, इन्होंने रिपोर्ट तो दिया था 76 में, बना 1970 में था, है ना। और किसके अधीन बना था, वन मंत्रालय नहीं, ये क्योंकि सवाल पूछा गया है, ये बना गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वन मंत्रालय तो 1986 के बाद आएगा ना, वन मंत्रालय का निर्माण मैंने बताया था ना, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई और इन सब से चीज़ों से संबंधित जो काम है वो 86 के बाद हुआ है। पहले वन किसके अंतर्गत आता था, कृषि मंत्रालय के अधीन आता था। तो ध्यान रखना कि वो पहला ऑप्शन क्या देंगे इसमें, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मैक्सिमम लोग वो टिक कर रहे होंगे, लेकिन ये किसके अंतर्गत बना हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इन्होंने वनों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो आप लिखोगे NCA ने वनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया था। NCA क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू थ्री कैटेगरीज। ये भी सवाल पूछा गया है कि NCA ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला जो है वो है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, दूसरा प्रोडक्शन फॉरेस्ट उत्पादन वन, दूसरा प्रोटेक्शन फॉरेस्ट संरक्षण वन, और तीसरा
सोशल फॉरेस्ट, सामाजिक वन, ठीक है। जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया। इसका जो पहला कैटेगरी है वो है वैल्यूएबल फॉरेस्ट, और सरकार का ध्यान था इस वन के ऊपर में। ये ऐसे वन थे जहाँ पे कास्ट उत्पाद बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो इस वन के अंदर वन संवर्धन और अन्य कार्य पे सरकार का फोकस था, क्योंकि इस समय सरकार की जो नीति थी वो क्या थी, कमर्शियल प्रस्पेक्टिव, वनों को कमर्शियली देखा जाता था, ठीक है। वो कंजर्वेशन प्रस्पेक्टिव जो है ना 1988 के बाद आएगा। दूसरा जो है वो है मिक्स फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर जितने पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के नहीं हैं, दूसरे अन्य प्रकार के वन भी हैं, तो इन पे सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। और तीसरा जहाँ सरकार नहीं जा पाई, पहला बहुमूल्य वन, दूसरा मिश्रित वन, और तीसरा क्या था, सरकार नहीं जा पाई तो क्या होगा, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी में सरकार ने बांटा। इस पे आपको ज़्यादा सवाल नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा सवाल मिलेगा यहाँ पर, सोशल फॉरेस्ट्री को सरकार ने कितने भागों में बांटा, बताना शुभम। अभी टेस्ट सीरीज में पंकज सर ने ये सवाल भी दिया था जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा था। पहला रूरल फॉरेस्ट्री, दूसरा अर्बन फॉरेस्ट्री, और तीसरा फार्म फॉरेस्ट्री। ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और कृषि वानिकी, नहीं फार्म फॉरेस्ट्री को क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी बोलते हैं क्या, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप अंग्रेजी में लिखे रहो, हिंदी में मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो किसी का सब टाइप है, किसका सब टाइप है, यहाँ पर आएगा, एक आएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री, लिखो कम्युनिटी सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और दूसरा कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या होता है सब में, थोड़ा थोड़ा मैं बस डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा पंकज सर के द्वारा। रूरल फॉरेस्ट्री गाँव के अंदर जो किया जाने वाला वानिकी है। अच्छा ये सबसे पहले पूरी कहानी ना यहाँ से शुरू करते हैं, सामाजिक वानिकी पर सरकार का दबाव क्यों था, क्यों सरकार चाहती थी कि लोग सामाजिक वानिकी जो है उसको प्रैक्टिस करें। सामाजिक वानिकी मतलब समाज के लोग वनों को लगाएं अपने आसपास, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वन का प्रतिशत लगातार घटता जा रहा था। क्यों घट रहा था, अवैध कटाई की वजह से। अवैध कटाई मुख्यतः पलंग सोफा बनाने के लिए कर रहे थे, नहीं, अपने जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति के लिए लोग वनों का बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर दोहन कर रहे थे, ठीक है। तो गांव के लोगों को बोला गया कि आप ऐसे छोटे छोटे, कल हम लोग ने कुपाई सिस्टम पढ़ा था ना, कुपाई सिस्टम, अगर पेड़ को आप एकदम नीचे से काट दोगे ना तो साइड से लंबे लंबे छोटे छोटे शाखाएं निकल रही होती हैं, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक आ जाती है, तो आप उसको काट करके जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग कर सकते हो, तो वो भी एक वैज्ञानिक विधि है। तो उस तरीके की विधियों को अपनाने के लिए गांव के लोगों को प्रेरित किया गया और बोला गया कि आप ऐसे पेड़ लगाओ जो बहुत तेज़ी के साथ उगते हैं और उनको आप अपने जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग में ला सकते हो। अगर उन पेड़ों को आप अपने खेतों के आसपास लगाते हो, ठीक है, खेतों के मेड़ के आसपास लगाते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा,
एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जमीन है खेत के आसपास, और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री अगर सामुदायिक जो जगह है, सामुदायिक जमीन है, उन पे आप इन जंगलों को लगाते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, सामुदायिक वानिकी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री में क्या डिफरेंस है, फार्म फॉरेस्ट्री मतलब आप धान छोड़ करके पेड़ लगाना शुरू कर दिए कमर्शियल पर्पज से, ठीक है, हाँ मतलब फार्मिंग करना शुरू कर दिया आप लोग, तो ये फार्मिंग जो है ना यहाँ से आप चीजें निकाल सकते हो। और कुछ बोल रहे थे, हाँ पूरा हटा करके सरकार का स्कीम भी शुरू हुआ है, वो है ना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार का, इससे रिलेटेड बताएंगे सर आपको विस्तार में। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है ये बता दो आप मेरे को, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं जला रहा, जला रहा है क्या, नहीं, पार्क एवेन्यू प्लांटेशन रोड के किनारे, क्यों, क्योंकि अच्छा दिखे, ऊपर से प्रदूषण कम हो, और जो तापमान वगैरह बहुत इरेगुलर तरीके से बढ़ रहा है ना, तो इसमें आपने एक जापानीज कॉन्सेप्ट सुना होगा मियावाकी फॉरेस्ट जो चल रहा है ना, कि बहुत सघन वन लगा दो तो ऊपर बढ़ते हैं वो, ज़्यादा मोटे नहीं होते, कम जगह में ज़्यादा वन, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, ठीक है। आपने सुना ना ऑक्सीजोन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो वेस्टलैंड होता है वहाँ लगाया, वेस्टलैंड मतलब ऐसी जमीन जहाँ पर बहुत ही मतलब समय से खेती वगैरह या किसी पर्पस के लिए उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आपने सैनिटरी लैंडफिल के बारे में सुना है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो कूड़ा करकट को गड्ढा करके उसको पक्का करके उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, ऊपर से फिर मिट्टी से दबा देते हैं। आप लोग इसको अंबिकापुर से, अंबिकापुर में एक पार्क बना हुआ है जहाँ कचरा डाल करके ऐसे करके और वहाँ बैठ करके आप आराम से दिन काट सकते हो आज के समय पे, लेकिन कुछ समय पहले आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते थे, देखा है आपने ऐसा पार्क, ठीक है, तो वो है, तो वो अर्बन फॉरेस्ट्री का एक एग्जांपल है, जो कौन कराता है, अर्बन जो गवर्नमेंट होती है या म्यूनसिपैलिटी जो होती है वो करती है, देखा ना आपने बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया है। तो ऐसा बहुत जगह पर बनाया गया है, गुड़गांव के आसपास में भी ऐसा एक गार्डन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये है, इसके अलावा ये हो गया, अगला जो है वो है छठवां, उसमें आप लिखेंगे, ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा, सवाल भी दिखा देता हूँ, सवाल देखो, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू हाउ मेनी टाइप्स, कितने भागों में वन को नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने बांटा, तीन, ठीक है, तो वो सीधे आपसे पूछा जाएगा, ये जो है तीन भागों में बांटा। अब वो पूछेगा नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से सोशल फॉरेस्ट्री कितने टाइप की होती है, आप क्या बोलोगे, तीन, ठीक है। तो आपको ये सब विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे ही जैसे मैं बनाऊँ वैसे बनाया हूँ ना, याद करने का आसान तरीका होता है ये, कि आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप चीज़ों को बनाएं, ऐसे बनाओगे जैसे मेरे पास तो शक्तियाँ हैं अलग अलग कलर से, तो आप भी अगर अलग अलग कलर से करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रह जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री बेस्ड ऑन लीगलिटी। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ISFR इस चीज़ को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो लीगलिटी वाले क्लॉज हैं ये दो जगह से आएंगे, एक WPA से आएगा और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से आएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क वगैरह को डिफाइन करता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है ना वो डिफाइन करता है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को। आज के समय में ये दो जो दो जंगल है ना ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में घूम रहे हैं, तो इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप लिखेंगे अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन लीगलिटी। छठवां है ना, लीगलिटी के आधार पर या विधिक या विधाई, विधाई होगा मेरे ख्याल से, विधाई आधार पर वनों के प्रकार। तो पहला इसमें लिखेंगे, मतलब वो रोमन वाला पहला, ऐसा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। नीचे लिखेंगे फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, वनों को तीन प्रकार में बांटा गया है। अपने आप में ये सवाल है सर,
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, क्योंकि इस सवाल में आपको नियम भी बताए जाएंगे, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन भी आपका हिस्सा है ना, तो उससे संबंधित भी सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल पूछेंगे वो बता रहा हूँ, एक तो वो एक्ट किस वर्ष में आया था मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, और दूसरा जो है तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहला आप लिखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये है आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर टू ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, चैप्टर टू ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, आपसे ये सीधे पूछा जा सकता है। जिस हिसाब से सीजीपीएससी का मिजाज चल रहा था ना पंचायत को लेकर के, देखो ना आपके तो फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है भी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है चैप्टर टू ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ, ये है चैप्टर टू रिजर्व, उसके बाद प्रोटेक्टेड जो है वो चार हो जाता है, रिजर्व प्रोटेक्टेड, और जो विलेज फॉरेस्ट है वो है चैप्टर तीन, दोनों के बीच का जो होगा वो कौन सा होगा? विलेज, और जो चैप्टर टू है वो किसका होगा? रिजर्व। तो आप ऐसे याद करना, आरक्षित संरक्षित रिजर्व प्रोटेक्टेड दो चार, और लास्ट में जो आएगा विलेज। आप सेकेंड पर लिख लो, थोड़ा सा गैप छोड़ना, ठीक है, मैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा विस्तार लिखाऊंगा, तीन चार लाइन छोड़ना, इसके बाद लिखना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण, तो ये किस तरीके के वन होंगे? संरक्षित वन। और तीसरा आप लिखोगे विलेज फॉरेस्ट, ग्रामीण वन या ग्राम वन। मैंने याद करने के लिए क्या बोला? चैप्टर फोर, और ये इन दोनों के बीच में है चैप्टर थ्री, ठीक है, तो ये चैप्टर टू, ये चैप्टर फोर, और ये चैप्टर थ्री, रिजर्व प्रोटेक्टेड। और देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं गांव वाले जंगल, गांव वाले जो जंगल है, गांव के आसपास जो जंगल होगा उसको इस कैटेगरी में रख दिए। इसमें गांव वाले जा सकते हैं? जा सकते हैं। यहाँ से जाके लकड़ी वकड़ी साग भाजी तोड़ के ला सकते हैं? ला सकते हैं। इसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है ये लीस्ट होगा, सबसे कम, कोई रुकेगा टुकेगा नहीं, जब जाना है जा सकते हो, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन, इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया था, कब की बात है? 1927 के बाद। इन वनों के अंदर जाना वर्जित था, अगर चले जाते थे तो मारते थे अंग्रेज लोग। हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, ये है आरक्षित वन। आज के समय में इस श्रेणी में किस तरीके के वन आते होंगे रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर वाला हिस्सा होता है ना, वो आपने सामान्यतः देखा होगा या सुना होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर वाला हिस्सा होता है वो अपने आप में कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, होता नहीं होता है? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है अपने राज्य में, उसका कोर हिस्सा अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना हुआ है, बना हुआ है नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कम रहता है, ये कमर्शियली यूज किया जा सकता है, और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था बताया? रेल की पटरी को बिछाने के लिए उस समय क्या चाहिए होता था? उस समय चाहिए होता था स्लीपर्स, जो कि साल के पेड़ से बना हुआ होता था। धमतरी वाला जो अपना क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़ का, उस क्षेत्र से बहुत सारे साल के पेड़ कटे, और साल के पेड़ जब कटे वो स्लीपर्स बने, वहीं पे लोग बना रहे थे स्लीपर, फिर उसको ले जाने के लिए क्या चाहिए था? ट्रक, ट्रक तो था नहीं, तो क्या किया उन्होंने?
खेल खेल में ट्रेन बिछा दिया हो, टॉय ट्रेन जैसा। देखा है ना आपने धनतेरी वाले क्षेत्र में कैसा ट्रेन चलता है, वो छोटा वाला मीटर गेज नैरो गेज वाला जो नहीं रहता है, वैसा वाला ट्रेन चलता है। उसमें लोग ये सारी चीज़ें लेकर के जा करके पूरे देश में क्या बना रहे थे उस एरिया में, मतलब वो केशकाल के आगे वाला जो क्षेत्र है ना उस एरिया में बहुत अच्छे साल के पेड़ पाए जाते थे। उन आज भी वहाँ पे आप जाओगे उन जंगलों में तो आपको बहुत पुराने पुराने साल के पेड़ मिलेंगे, तो उनको काट करके ये लोग ले गए एक इधर उधर रेल बना ले गए। तो आज के समय पर वो पूरा क्षेत्र मैदानी इलाके के जैसा दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है, जबकि फर्टाइल है। धमतरी छत्तीसगढ़ का अगर पंजाब बोलोगे आप, मतलब कितनी नदियां हैं, दूध मलाई कितना, पता नहीं क्या क्या याद करके रखोगे आप लोग, वो सारा वहीं धमतरी से बहता है, बहता नहीं बहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे लिख लो लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, सीमित संरक्षण, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्टेड संरक्षित वन के अंदर सीमित संरक्षण। अगला लिखोगे वाणिज्यिक तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड कमर्शियली, सिर्फ पॉइंट्स में लिखा रहा हूं ना, और उसके आगे भी एक डैश करके लिख लो टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी या इमारती लकड़ी। और इमारती लकड़ी ले जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, कोई व्हीकल, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउ है। देखो वन विभाग में सिर्फ लकड़ी नहीं जब्त करोगे आप लोग क्या करोगे, गाड़ी भी जब्त करोगे। फिर जब्त करने के बाद ऐसे नहीं कि अगले दिन घूम रही ये दोस्ती हम नहीं तोड़े, नहीं, वो रात साथ हो जाएगी और वहाँ डिपो में खड़ी रहेगी। देखा होगा आपने वन विभाग के डिपो में सिर्फ लकड़ियाँ नहीं जब्त होती हैं, गाड़ियाँ भी जब्त होती हैं। तो आप एनीथिंग दैट इज, और सिर में लेके जाओगे तो उसके अलग अलग नियम है, ठीक है, सिर में लेके जा सकते हैं, मतलब जो गाँव वाले लेके जा सकते हैं उसमें अलग अलग नियम है, वो नियम आप विस्तार से पढ़ोगे, बट अभी तो इतना है कि वो गाड़ी और टिम्बर दोनों रात साथ जाता है, और इसका जो कार्यवाही रेंजर नहीं करता है, इसका कार्यवाही कौन करता है, SDO मतलब ACF वाला जो अधिकारी होता है। पकड़ता कौन है, तो मजा पकड़ने में है या कार्यवाही करने में, ठीक है। देखो अभी से ही इरादे सही नहीं लग रहे आप लोग के, ठीक है, खैर चलो, बहुत गहन अध्ययन कर रखा है वन विभाग का आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जोक सपाट। आगे आप लिखोगे एंड ऑप्टेनिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसी में आगे लिखना एवं वनोत्पाद के संकलन हेतु, मतलब अनुमति है ना यहाँ पर, वनोत्पाद भी आप जाके संकलन कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट, मतलब ये हुआ कि वन से संबंधित जितने उत्पाद हैं वो आप रिजर्व से नहीं ले सकते, कहाँ से ले सकते हो, प्रोटेक्टेड, बस इतना ही कहने का मतलब है, उसको आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है। बट नीचे वाले लाइन पे लिखो बट रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट, परंतु सरकार के नियंत्रण के अधीन, भाई अंग्रेज लोग हैं ऐसे थोड़ा ना फ्री में छोड़ देंगे, परंतु सरकार के नियंत्रण के अधीन, सरकार बोलेगा कितना लेके जाना है कितना नहीं लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो पूरा जंगल साफ करके आप घर में भर दिए, नहीं, वो उसके कुछ नियम होंगे और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज के समय में उसका सही नियम है क्या, सरकार खुद उसको काटती है अपने डिपो में लेकर कहती है और उसके बाद उसकी नीलामी करती है, ठीक है। तो एक काष्ठागार नाम का भी जगह होता है, वहाँ भी एक रेंजर नाम का अधिकारी बैठता है जो डिपो वाला रेंजर कहते हैं जिसको, ठीक है। अभी तो फिलहाल है नहीं सरकार के पास, तो किसी को बैठा दिए हैं, लेकिन भविष्य में चल करके जब पर्याप्त संख्या में रेंजर होंगे तो वहाँ भी इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलो अगला जो है वो है ग्राम वन, इनके बारे में लिखोगे यह ग्राम पंचायत के द्वारा नियंत्रित की जाती है और संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए इनके उपयोग की अनुमति दी जाती है। दीज आर रेगुलेटेड बाई विलेज पंचायत एंड कैन बी यूज्ड सस्टेनेबली, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लिखोगे वाइल्ड लाइफ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972, ये आपसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप इस चीज को ध्यान देना। अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, अपने आप में एक सवाल कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पारित किया गया था, 1927 में ये था। इन्होंने वन को तीन भागों में विभाजित किया, पहला आरक्षित, दूसरा संरक्षित और तीसरा ग्रामीण, ठीक है।
या कहीं जगह अन्य भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। बट ये तीन कैटेगरी हैं, आपको चैप्टर भी याद करने, इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो चैप्टर दो में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो चैप्टर फोर में आता है, और इन दोनों के बीच का जो गांव है, गांव वाला वन, चैप्टर तीन में आता है, ठीक है। इनमें से कहां सबसे कम नियंत्रण होता है, ग्रामीण वन में। कहां सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे आप लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन, मतलब इसी में ये सब टॉपिक है ना, तो आप टू करके लिख लो, टू करके लिख लो, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, थोड़ा थोड़ा अभी से हम याद करते हुए चलेंगे तो चीजें बाद में आसान हो जाएंगी। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आप हिस्ट्री के बारे में जान लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली क्या करता है, वो राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी स्थापना के बारे में बात करता है, इनको परिभाषित करता है कितना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है और कौन इसको स्थापित कर सकता है, किन के द्वारा स्थापित किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सर दोनों राज्य सरकार के द्वारा, ये कंफ्यूजन होता है। राष्ट्रीय इसका मतलब नहीं कि मोदी जी कर रहे हैं, नहीं, विष्णुदेव साय कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों राज्य सरकार नोटिफाई करती है। फॉरेस्ट कौन से सूची में आता है, राज्य, केंद्रीय या समवर्ती, समवर्ती में आता है, ठीक है। तो नियम उधर भी बनाया जा सकता है, इधर भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट उसको रेटिफाई किया करेगा। तो ये नियम बनाया गया था उधर केंद्र में और उसको रेटिफाई किया गया था सेंटर के द्वारा। तो राज्य जो है वो नोटिफाई करेगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो म्यूचुअल हो रहा होता है, बट राज्य करता है, ध्यान रखना। नोटिफाई कौन करेगा, राज्य करेगा। हाल ही में हम लोगों ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर के कुछ नोटिफिकेशन लाया था, छत्तीसगढ़ का राज्य पत्र असाधारण, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, ठीक है, वही। तो राज्य उसको नोटिफाई करता है, ठीक है। अगला ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में नहीं, इसके अलावा नेशनल जूलॉजिकल अथॉरिटी, नेशनल बॉटनिकल अथॉरिटी, ये सारी जो बॉडीज है ना उनको भी शक्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा प्रिंसिपल चीफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केंद्र में, राज्य में, उनके पद के बारे में बताता है। इसके अलावा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, उनके बारे में, और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये आप विस्तार से पढ़ोगे, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, विस्तार से फॉरेस्ट लेजिस्लेशन में सारी चीज़ें पढ़ोगे तो कुछ कुछ डाउट तो अभी भी क्लियर हो गया, जैसे कि नोटिफाई कौन करता है, राज्य, ये एक डाउट तो आप लोग का ये क्लियर हो गया। आपको विस्तार में मैं उस समय लिखाऊंगा, हर जगह लिखोगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में लिखेंगे, ये रिलेवेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा 6 शेड्यूल होंगे, इनमें 6 सूचियां होंगी, अनुसूचियां, उसमें 1 से 5 तक जानवरों के बारे में शेड्यूल किया गया है, और जो छठवां है वो पादपों के बारे में किया गया है। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पादपों को रखा गया है, तो सूची 6 रखा गया है। जो पहला सूची है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, 2 में थोड़ा कम, 3 में थोड़ा कम, 4 में थोड़ा कम, और 5 वाले को तो आप मार सकते हो। तो ये 5 वाले किसको किसको मार सकते हो, जैसे शेर, बाघ, हिरण वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें मिलेगा चूहा, चचुंदर, फ्लाइंग फॉक्स, मतलब चमगादड़, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा आपको सूची 5 और सूची 6 में कौन कौन से जीव हैं, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सूची 6 में आपको ब्लू वेंडा, रेड वेंडा मिलेगा, उसके अलावा पिचर प्लांट वगैरह जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको उस सूची मिलेंगी। ये यथा स्थान में मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर देखो, उस जिस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसी एक्ट में अमेंडमेंट कब किया गया, 2002 में, और इस समय तक एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था। कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाना है, अगर ये है राष्ट्रीय उद्यान का कोर वाला क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आपको अगर इसको बचाना है किससे, गाँव से, इनके एक्सप्लॉयटेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इर्द गिर्द वाला जो क्षेत्र है ना, इसके इर्द गिर्द वाला क्षेत्र जहां मानव बसाहट है, इस क्षेत्र को ये क्या हो सकता है, या तो बफर जोन हो सकता है, किनके बीच, ह्यूमन और फॉरेस्ट के बीच, या ह्यूमन और कोर फॉरेस्ट के बीच, ये एक बफर फॉरेस्ट होगा, तो आपको इनका संरक्षण करना है, ठीक है। और अब जो संरक्षण का नियम आ गया है ना, एक प्रोग्राम के बाद, मैन एंड बायोडायवर्सिटी, इन लोगों ने बोला कि जंगल को बचाना है तो किसका साथ लेना पड़ेगा,
लोगों का, इंसानों का, तो इन लोगों का हेल्प लेकर के इन क्षेत्रों को बचाया जाने लगा। बफर एरिया होता है या तो ये कॉरिडोर होता है, आपने सुना होगा ना एलिफेंट कॉरिडोर, तो एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहा है तो बीच में ये कॉरिडोर पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाले जो क्षेत्र होते हैं वो कॉरिडोर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको बचाने का उद्देश्य है, तो इनको बचाने के उद्देश्य से लीगल क्या बोलते हैं वैलिडिटी दी गई दो तरीके के वनों को। पहला जो है वो है कम्युनिटी रिजर्व और दूसरा है कंजर्वेशन रिजर्व। तो आप दोनों साइड साइड में लिखोगे, पहला इस तरफ लिखोगे आप, लिखो पहले कम्युनिटी रिजर्व, और इस तरफ लिखो कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, और ये हो गया संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व। बेसिकली दोनों जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया ना, ये कि इस तरीके का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क होगा, इसके चारों तरफ के वन होंगे और इस वन को ही आप कम्युनिटी या कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जानोगे। अब किसको हम कम्युनिटी रिजर्व बोलेंगे और किसको कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे उसके बारे में दो तीन लाइन लिखो, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। जो कम्युनिटी रिजर्व है इसमें आप लिखना बफर जोन बिटवीन विलेज एंड रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वनों एवं ग्रामों के मध्य का बफर क्षेत्र, आरक्षित वनों एवं ग्रामों के मध्य का बफर क्षेत्र, बफर जोन बिटवीन विलेज एंड रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट बोल रहा हूं ध्यान रखना, ठीक है, मतलब आरक्षित वन। आप कंजर्वेशन रिजर्व में लिखना बफर जोन बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज, मतलब सेम, ठीक है। तो इसमें ये संरचनात्मक कोई अंतर नहीं है, अंतर किस चीज का है, स्वामित्व का। तो जहां अंतर वहां से क्या बनेगा सवाल, ध्यान रखना। ये बताओ कम्युनिटी रिजर्व जो सामुदायिक वाला जो हिस्सा है इसमें स्वामित्व किसके पास होगा, कम्युनिटी के पास, मतलब या तो कम्युनिटी के पास या कोई सेठ गांवटिया आदमी होगा वो अपना जमीन दे दिया होगा प्राइवेट आदमी। और जनरली इसका जो प्रस्पेक्टिव होता है वो होता है रिलीजियस, ठीक है। यहाँ ये जंगल में जाकर के पूजा वूजा कर रहे होते हैं, उस तरीके से बचा रहे होते हैं कम्युनिटी या प्राइवेट बॉडी। लेकिन एक बार, और ये नोटिफाई कौन करेगा, नोटिफाई कौन करेगा, सरकार। एक बार नोटिफाई हो गया तो उसके बाद डी नोटिफाई नहीं होता है, और इससे संबंधित जो मैनेजमेंट जो है वो इस कम्युनिटी को दिया जाता है। तो उसके लिए एक कमिटी बनती है, वो पंचायत जैसे होती है, आपस में लोग चुन चुन करके बनते हैं। तो ये भी आप विस्तार से पढ़ोगे जब लेजिस्लेशन पढ़ रहे होगे। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व का स्वामित्व किसके पास होगा, यही सवाल पूछा जाएगा आपसे, शासन के पास, गवर्नमेंट के पास। तो ध्यान रखना कंजर्वेशन जहां पर आ रहा है वहां पर सरकार आ रही है, और जहां पर कम्युनिटी आ रहा है वो जो समाज समुदाय निजी व्यक्ति हैं वो लोग आ रहे हैं, ध्यान रहेगा ये चीज, ठीक है। ये है मेजर डिफरेंस और इसी पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लिया ये। अब अगला जो है सातवां, सेकंड लास्ट, इस पे आप लिखोगे बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक्स, बढ़ते स्टॉक के आधार पर, बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग स्टॉक। स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है बताया था क्या मैंने कल,
ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है? नहीं बताया था, पक्का याद है आप लोगों को? देखो जंगल के अंदर जो वॉल्यूम होता है ना लकड़ियों का, उसके उसका बढ़ना वर्ष दर वर्ष या एक यूनिट टाइम के अंदर, उसको आप जब मापते हो तो वो होता है ग्रोइंग स्टॉक। स्टॉक लकड़ी, बेसिकली तो लकड़ी ना, तो लकड़ी उसकी वृद्धि, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप ग्रोइंग स्टॉक। नॉर्मल तरीके से बढ़ेगी या तो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ेगी, तो इसका दो कैटेगरी होगा, पहला नॉर्मल और दूसरा होगा एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल फॉरेस्ट, एबनॉर्मल फॉरेस्ट, सामान्य वन और असामान्य वन, सामान्य वन असामान्य वन, ये लिखी लो आप, नॉर्मल फॉरेस्ट एबनॉर्मल फॉरेस्ट। इसके बारे में नॉर्मल कब बोलोगे? जब ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा, ये तीनों कंडीशन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करोगे, समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सामान्य वन क्या होगा? ऐसे वन जिसमें आपको अच्छे वैल्यू का सामान मिलेगा या कम वैल्यू का सामान मिलेगा? अच्छे वैल्यू का सामान मिलेगा। ऐसा वन जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा या सतत बना रहेगा? जो सतत बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का तीन क्राइटेरिया होता है टोटल। आप लिखोगे पहला नॉर्मल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज, सामान्य उम्र का विस्तार, नॉर्मल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। जो वृक्ष होंगे वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करेंगे, तभी तो सतत तरीके से बने हुए होंगे। आप कुछ को काटोगे तो अगले जो हैं वो कुछ समय बाद फिर से परिपक्व हो जाएंगे, फिर आप कुछ को काटोगे कुछ समय के बाद फिर से परिपक्व हो जाएंगे, तो इस तरीके से एक नॉर्मल कंटिन्यूटी जो है वो बना होगा। तो पहला तो होना चाहिए नॉर्मल एज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, जो वृक्ष हैं वो सामान्य तरीके से बढ़ रहे होंगे, मतलब ऐसा सीधा सीधा सा बढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं कि इधर ये ऐसा बढ़ रहा है। अब अगर ऐसा पेड़ मान लो गिर आ गया आपके बागान के अंदर या आपके स्टॉक के अंदर, इसका वैल्यू ज़्यादा या इसका वैल्यू ज़्यादा? ये अगर ए है और ये अगर बी है तो आप बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा? ये तो जिराफ जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कम, क्योंकि आपको बेसिकली इमारती लकड़ी चाहिए, जलाने के लिए थोड़ी ना चाहिए। जलाने वाली लकड़ी का तो वैल्यू कम होता है, ऐसी लकड़ियाँ जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो एबनॉर्मल फॉरेस्ट होता है ना वहाँ से हम इस तरीके के वन लिए। जो कोपाई सिस्टम में हम लोग को नए पौधे मिलते हैं ना, उनको भी हम लोग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हाई फॉरेस्ट होते हैं उनको आप जनरली इस तरीके से हाई फॉरेस्ट ट्रीज हो रहे होते हैं। खैर, अगला आप लिखोगे नॉर्मल ग्रोइंग, अगला नॉर्मल ग्रोथ एंड सस्टेनेबली प्रोड्यूसिंग यील्ड, सामान्य वृद्धि एवं वनों की सततता, वनों के उत्पाद की सततता, सस्टेनेबली ग्रोइंग यील्ड, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, इनकी एज का सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो ग्रोथ होगा स्टॉक का वो क्या होगा, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए कि जो आप उत्पाद ले रहे हो, यील्ड ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सबको काट दिए, आप इसको सस्टेनेबल तरीके से ले रहे हो, या इस योग्य है वो वन कि आप इस तरीके से उत्पाद ले सकते हो, क्योंकि सततता बनी होनी चाहिए ना, नहीं तो वन उगाने का क्या फ़ायदा? क्या ये जो वन वाला काम है ना, ये 100 साल में फल देता है? मतलब आपने लगाया जब आप 25 साल के थे, जब आप 125 साल के होगे तो काटने का समय हुआ होगा, तब तक तो आपको किसी एबनॉर्मल वन की लकड़ियों से ला करके, समझ रहे हो ना कहानी, तो इसीलिए ध्यान रखना। तो सस्टेनेबली मतलब सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। ये जो मजाक मजाक में बोला ना, ये आप आगे चल करके फॉरेस्ट प्लान बना रहे होगे तो आपको ये समझ में आएगा। फॉरेस्ट प्लान जो होता है ना वो दूरदर्शी होता है। अभी भी आप सरकार की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, जो रेंजर के द्वारा बनाया गया होगा, और आपको पिन पॉइंट पता होगा कि किस समय कहाँ पे कटाई होने वाली है और किस समय पे कहाँ फिर से लगाना है। तो ये मैनेजमेंट जो है ये सदियों से चल रहा है, अंग्रेजों ने शुरू किया था, अब सतत रूप से हम लोग उसको चला रहे हैं। ध्यान रखना, आप भी इसका हिस्सा बन जाओगे। चलो
वन के बारे में धीरे धीरे और अंदर घुसते हुए पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इतना आसान चीज़ नहीं है। आपको तो लग रहा था कोई ट्रैक्टर के ट्राली में लकड़ी लेके जा रहा होगा, उसको पकड़ूंगा बस हो गया रेंजर का काम, नहीं बहुत सारे काम है, ठीक है, तो ये नहीं है। चलो अगला जो है वो है इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ये अंतिम है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का। क्या सर? अच्छा एबनॉर्मल, वो तो मैं बताना ही भूल गया, सही बता रहे हो। चलो ये एबनॉर्मल वाला है ना, इसमें आप सिर्फ एक पॉइंट लिख लो, सामान्य वनों के तीनों गुण में से अगर एक भी अनुपलब्ध है तो ऐसे वन असामान्य वन के अंतर्गत आते हैं। इफ एनी ऑफ द थ्री फीचर्स ऑफ नॉर्मल फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड देन दोज फॉरेस्ट कम अंडर कैटेगरी ऑफ एबनॉर्मल फॉरेस्ट। अगर उनमें सततता नहीं है, उम्र में भिन्नता, देखो ये एक दूसरे से जुड़े हैं, उम्र में जो भिन्नता है ना यही सततता लेकर के आती है, और ये जो बीच वाला है ये अलग है। मैंने स्टार्टिंग में जब इस टॉपिक के बारे में बता रहा था तो ये बता रहा था ना, सततता और दूसरा नॉर्मल स्टॉक होगा, ठीक है, और इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो असामान्य वन होंगे, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है वो है आठवां अंतिम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, ये है इकोलॉजिकल बेसिस। ये ना मणिकंदन में अलग से आठवें टॉपिक के रूप में नहीं दिया हुआ है, साथ ही दिए हैं, उसमें इसको मर्ज करके दे दिया गया है, ठीक है। वो क्या करता है कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा करके दे देता है। तो आप ब्रैकेट में लिख लोगे वनों का वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर, या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज। और इसका थोड़ा सा मैं एक आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, इसका पहला जो है इसका हिस्सा होता है बॉटेनिकल, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटेनिकल मतलब क्या होता है? पादप विज्ञान, ठीक है, तो पादप विज्ञान संबंधी या वनस्पति विज्ञान संबंधी वर्गीकरण। दूसरा जो है वो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी के अध्ययन के आधार पर विभाजन, ठीक है। इसमें आप सीधे लिख लो, इसमें तो कुछ विस्तार है नहीं। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन होता है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, और इन दोनों को मिला दोगे तो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। लिखो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन नीचे लिखो कंसिडर्स वैरायटी इन वेजिटेशन, स्लैश करके लिखो स्पीशीज, यह प्रजाति अथवा वानस्पतिक विविधता का अध्ययन करता है, ठीक है। बॉटनी मतलब क्या हो गया? प्लांट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? प्लांट या आप इसको वेजिटेशन भी कह सकते हो, पादप या वानस्पति, वानस्पतिक विविधता, और उसको आप नापोगे कैसे? प्रजाति विविधता के हिसाब से, तो स्पीशीज के आधार पर, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगा साल के वन, सागौन के वन, मिश्रित वन, इस तरीके के होंगे ना, लेकिन इनका कारण क्या होता है? इनका कारण होता है कि जो वहाँ के ए बायोटिक फैक्टर या फिजिकल फैक्टर हैं उनमें विविधता होना। तो आप लिखोगे बेस्ड ऑन, इसके नीचे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के नीचे लिखोगे बेस्ड ऑन वेरिएशन इन क्लाइमेट और क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन,
क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। और इसमें जलवायु के जो कारक हैं, कई बार ना पढ़ाते पढ़ाते ये हिंदी वाले शब्द जो है मिस जाते हैं, अंग्रेजी हिंदी। मैं हिंदी में पढ़ाता रहता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम के अगर पढ़ाने जाता हूँ तो हिंदी में बोल रहा होता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ा रहा होता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी में जाता हूँ, मतलब ऐसा वो मिस हो जाता है। जलवायु, ठीक है, इसमें उदाहरण के तौर पर आप दो चीज़ें लिख लो, प्रकाश और वर्षा। वर्षा एक जनरल वर्ड है, वर्षा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। अंग्रेजी वाले लिखो लाइट और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके समझाता हूँ। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? जल का जमीन पर गिरना। क्या जल का जमीन पर गिरना हमेशा रेन होता है? वो जल की अवस्था पर निर्भर करता है। तो प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इस विस्तार पर पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी बर्फ़ गिरेगा और पेड़ हम लोग का मर जाएगा, ठीक है, और उस प्रकार के वन का संवर्धन या एडप्टेशन कैसा होगा वो पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन के तीन फॉर्म होते हैं, पहला रेन, दूसरा स्नो, तीसरा फॉग। वेरी गुड, रेन, स्नो और फॉग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्नो, रेन, फॉग, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसके आधार पर वनों के प्रकार बदल जाएंगे। बदलेंगे नहीं बदलेंगे? जहाँ पे फॉग होगा वहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे? नहीं सर, मतलब फॉग होगा मतलब पानी बहुत है, वहाँ पे इपीफाइट नाम के कुछ वनस्पति पाए जाएंगे जो पादपों के ऊपर उगते हैं। आपने देखा होगा महुआ का पेड़, उसके ऊपर बैठा रहता है एक छोटा सा पौधा घास जैसा, उसका जड़ ऐसा हवा में हिल रहा होता है, झूल रहा होता है। उसका जो जड़ होता है ना, वो हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक रूट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस तरीके के मिलेंगे आपको, जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है ना, उन वनों के अंदर ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे। वो पादपों के ऊपर तो उग रहे हैं लेकिन पादपों से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, बस वहाँ पे बैठे हैं, जल हवा से अवशोषित और प्रकाश संश्लेषण के लिए उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये हो गया। क्या स्नो वाला जो एरिया होता है वहाँ पर वनों की प्रकृति में बदलाव आपको देखने को मिलता है? मिलता है। अगर थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है तो वहाँ आपको कोनिकल वाला मिलेगा, और ज़्यादा बर्फ है तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। पोलर बियर, उसके पीछे दूर दूर तक सफ़ेदी, दिखाया आपने, कोई पेड़ पौधा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। और वहीं जहाँ पर बहुत बेनतहा बारिश हो रही होगी, केरल, वहाँ पर आपको बहुत सघन वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है। तो इस तरीके से ये भी प्रोवाइड करती है। और जो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो दोनों को कंसिडर करता है, मतलब ए प्लस बी, मतलब बॉटनिकल और क्लाइमेटिक जो है उसको। तो उसके बारे में लिखना आप, बॉटनिकल प्लस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ नीचे लिखो एक लाइन, और इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, विच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड। पहला ऑप्शन होगा बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और तीसरा इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप क्या बोलोगे? आप जो पढ़ोगे ना सबसे ज़्यादा विस्तार में, जो आज होमवर्क लेकर के जाओगे, वो इसी को लेकर के जाओगे। किसने दिया था, किसने दिया था, ये सवाल पूछेगा आपसे पीएससी। किसने दिया था इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? वनों के वर्गीकरण का जो सर्वाधिक एक्सेप्टेड फॉर्म है, सबसे ज्यादा जो मान्य स्वरूप है, वो वर्गीकरण किसने दिया था? शेख अब्दुल्ला, वो कहीं और पहुंच गया। वेरी गुड, चैंपियन और सेठ। चैंपियन ने सबसे पहले दिया था 1935, आपकी जो मणिकंदन प्रभु की किताब है वो बोलेगी 1935, लेकिन उसमें सिर्फ जो चैंपियन भाई साहब है उन्होंने दिया था, वो सर्वमान्य था। लेकिन 1968 में सेठ साहब, सेठ जी जो है उनके साथ मिल गए, तो चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, जो कि इसमें लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करके पहला लिखो चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन, ठीक है, चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन 1968।
और उसके नीचे लिखोगे चैंपियन क्लासिफिकेशन, ये अकेला देगा अंग्रेज आदमी 1935 में, और स्लैश करके 36 लिख दो। मणिकंदन बोलता है 35, लेकिन कई किताबें हैं जहां 36 भी लिखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ष में इन लोग क्या करते थे, पूरा क्लासिफिकेशन करते थे और अलग अलग जगह छपवाते थे, पेपर होता था ना रिसर्च पेपर जैसा, उसको छपाते थे, तो कई जगह 35 में छपा किसी में, किसी में 36 में छपा, तो इस तरीके से, तो 35-36 दो अलग वर्ष लेते हैं, लेकिन जहां भी चैंपियन और सेठ आएगा वहां पर आप वर्ष क्या लोगे 1968। इसके कहीं पर आप स्टार या इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लो, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है, या आप खुद ही सोचोगे कि कहीं पर यार ये मणिकंदन ने तो लिखा है 1935 और मेरी किताब में लिखा है 1968। तो चैंपियन सेठ जी के साथ जब आएंगे तब क्या होगा 1968, अदरवाइज चैंपियन अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों की हुकूमत के समय में। भारत के वनों का वर्गीकरण सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो है वो यही है, चैंपियन और सेठ का, ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण लिखो इसमें, गॉसियन क्लासिफिकेशन, मतलब एक तो हो गया जो महत्वपूर्ण है, अगला आप लिखोगे गॉसियन क्लासिफिकेशन, यहां पर तीसरा है सी, यहां पर बी, यहां पर ए, कंटिन्यूशन आपका जो टेबल बन रहा है ना उसी पे आपने पहला लिखा चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन और इसके ब्रैकेट में लिखा है आपने 1968, यहां पर सिर्फ वर्ष पूछा जाएगा, और दूसरा है गॉसियन क्लासिफिकेशन, पता नहीं ये गॉस थ्योरम वाला आदमी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बस नाम रटना है आपको, वैसे पूछा जाए महत्वपूर्ण इसमें चैंपियन सेठ है, ठीक है। ये क्लाइमेटिक वाला वो आदमी को जानते हो, ये AMW ऐसा क्या क्या मौसम के बारे में जो बताता है, कौन है ये भाई, वेरी गुड, लिखो कोपन क्लासिफिकेशन, उदाहरण में लिख रहे हो ना आप एग्जांपल में नीचे कोपन्स क्लासिफिकेशन, ये सब भी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा बाद में, अभी तो इतना ही याद रखो, ठीक है। तो कूपन जो पहला मैं लिखा रहा हूँ ना, यहाँ से सवार बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। दूसरा जो है वो है शिम्पर, ये याद ना भी रखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि सर पढ़ के आए हैं, ठीक है, नहीं तो पूछा जो जाएगा वो तो पूछा जाएगा कोपन का क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, आप चाहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और थोड़ा मेरे को सेफ्टी लेके चलना पड़ता है ना, क्या पता एग्जाम में आ गया और आप बोलो सर ये तो पढ़ा ही नहीं थे, नोट्स में है ही नहीं अपने। ठीक है, और पहले मैं आप सिर्फ एक ही लिख लो, फॉसबर्ग एंड वेब, ये जो आदमी लोग हैं ना ये एकदम बॉटनिस्ट हैं, ये AMW, ये जो है ना कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं की नीली वाली एनसीईआरटी वहाँ ये दिया होगा, ये कोपन का जो क्लासिफिकेशन है, ये लोग क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोग हैं, और ये जो है ना ये रियल में जंगल वाले भाई लोग हैं, ये लोग जंगल जंगल घूम घूम करके बताए हैं, ठीक। आप अगला टॉपिक डालोगे चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन, ठीक है, चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन से अलग अलग वन सेवाओं में बहुत सारे परीक्षा मतलब पूछे गए हैं सवाल, और जाने और अनजाने में आपने इसको कई बार पढ़ भी रखा है, चैंपियन और सेठ का जो क्लासिफिकेशन है। जैसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और शुष्क पर्ण, ये जो आपने कैटेगराइजेशन बताया मेरे को उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस और ट्रॉपिकल वेट या मॉइस्ट डेसिड्यूअस, ये जो दो कैटेगरी हैं वो किसने बताया, चैंपियन एंड सेठ ने, और इनका जो क्लासिफिकेशन का पहला कैटेगरी है ना उसके अंदर आता है ये, ठीक है। यहां फिर से वर्ष लिख देता हूं 1968, वेरी गुड, ठीक, इतना तो याद हो गया। अब यहां पर आप लिखोगे दो तीन पॉइंट जो सीधे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उसके बारे में, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड
क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारतीय वनों का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। यह भारतीय वनों को 5 भागों या 5 प्रमुख भागों एवं 16 प्रकार में विभाजित करता है। इट डिवाइड्स इंडियन फॉरेस्ट इनटू 5 मेजर टाइप्स। एंड 16 एंड 16 या 5 मेजर ग्रुप्स लिख लो और 16 टाइप्स लिख लो, क्योंकि वो जो पहला है ना वो टाइप नहीं है, वो ग्रुप है। बेसिकली उस ग्रुप के अंदर ये सारे टाइप है। आपने जो 2 बताया ना अभी, 16 में से 2 तो आपको याद हो गया है, ठीक है, बाकी के याद करने हैं। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो ऑनलाइन में कोई पूछ रहे थे सर मैंग्रोव के बारे में, ठीक है, तो मैंग्रोव जो है वो अलग कैटेगराइजेशन है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। आज मैं होमवर्क दूंगा, क्या तापमान और वर्षा के आधार पर आप पूरे 16 कैटेगरी का एक लिस्ट बनाओगे, उस पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, होमवर्क बाद में। पहले आप लिखो ग्रुप 1, आपको ये 5 ग्रुप पहले याद होने चाहिए और उसके बाद 16 जो टाइप हैं वो याद होने चाहिए। पहला जो ग्रुप 1 है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। आप लोग मेरे को ये बताओ, ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है या हिंदी में जिसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वन, इसके बारे में जानते हो ना, उष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध, ये सब जो डिवीजन जानते हो ना, बताऊं कोई ऐसा बताऊं? ठीक, देखो धरती में 2 तरीके की लाइनें हैं, है नहीं खोजने मत चले जाना, मतलब हम अध्ययन के लिए, अगर आप बोलोगे ये है अपना गोला, ठीक है, तो इस गोले में 2 तरीके की लाइन है, एक है अक्षांश और दूसरा देशांतर। ये जो है ये लेटा हुआ, इसको क्या बोलते हो, लेटा हुआ ट्यूड, लेटीट्यूड, ठीक है। ये जो 0 डिग्री वाला लेटीट्यूड है उसको आप क्या बोलते हो, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ऐसा ही एक ऐसा ही लेटा हुआ लेटीट्यूड है जो 23.5 डिग्री पर है, और ऐसा ही एक लेटीट्यूड जो है वो इधर 23.5 डिग्री पर है। ये दोनों जो लेटीट्यूड हैं ये महत्वपूर्ण हैं। अगर ये उत्तर की दिशा में है तो आपको बोलोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर ये दक्षिण की दिशा में है तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री साउथ। अब ये जो लेटा हुआ लेटीट्यूड है इसका काम क्या है, इस लेटीट्यूड का काम है सूर्य जो है ना ये सिर के ऊपर, मतलब सूर्य धरती के फेस पर सिर्फ यहीं तक जा सकता है, मतलब यहाँ पर अगर आप खड़े हो, मान लो इस जगह पर खड़े हो, तो एक निश्चित तारीख आएगा जब सूर्य आपके सर पर आ सकता है, ओवरहेड आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा कभी भी, और वैसा ही इसके ऊपर नहीं आएगा, समझ में आया। सूर्य सीधे आपके ऊपर किस समय पर, दोपहर को 12 बजे, ओवरहेड सन इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है, मतलब इतना ही रीजन है जिसके बीच में सूरज जो है आपके सर पर आ सकता है। असल में सूरज अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है, पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो उसकी वजह से आप देखो, समझना, ये है हमारा बॉटल, ठीक है, दिख रहा है, ये सीधा बॉटल होता और ये सूरज के चारों तरफ ऐसा घूम रहा होता तो कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया, लेकिन ये हल्का सा झुका हुआ है, तो जब यहाँ पर सूरज है गोला सेंटर में, तो ये वाला हिस्सा फेस कर रहा है सामने, और इसको मैं घुमा करके इधर ले आता हूँ तो ये वाला हिस्सा फेस कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है ना इस जगह पर, ऐसा 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 गोल 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 गोल, ठीक है, तो ये हिस्सा फेस कर रहा है, ये दक्षिणी वाला हिस्सा, ये उत्तर वाला हिस्सा। तो जब उत्तरी ध्रुव में सर्दियां पड़ रही होती हैं तो दक्षिणी ध्रुव के अंदर गर्मी पड़ रही होती है, मतलब इंडिया में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में
सर्दियाँ चल रही होती है ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव में, तो ये हो गया, ये थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम पृथ्वी को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि सूर्य का मूवमेंट जो है ओवरहेड सन का मूवमेंट इसी जगह पर है, तो इसको आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, इसको आप बोलते हो सब ट्रॉपिकल, इसके बाद वाला, और इसको आप बोलते हो पोलर रीजन, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्र है इधर वाला, ऊपर वाले को बोलते हो आप आर्कटिक और नीचे वाले को बोलते हो अंटार्कटिक। यहाँ पर आपने देखा था ना, अब ये देखो ये धरती इधर घूम रही है गोल 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 गोल, ये वाला हिस्सा सूर्य के हमेशा सामने है ना, तो जब भी ये घूमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूर्य के सामने है तो यहाँ हमेशा उजाला रहेगा। 6 महीने दिन 6 महीने रात 6 महीने दिन रहने के बावजूद यहाँ का जो बर्फ है वो नहीं पिघल रहा है, बताओ क्यों? 6 महीने दिन है ना इधर सर्दियों इस गर्मी के मौसम में, उसके बावजूद बर्फ नहीं पिघलता, सूर्य की रोशनी 6 महीने लगातार पड़ती है उसके बावजूद भी बर्फ नहीं पिघलता, क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है ना वो बहुत बड़े एटमॉस्फेयर को पार करते हुए यहाँ पे पहुँच रहा होता है, जिसके कारण से सूर्य की जो रोशनी है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जब ऊर्जा कम हो जाती है तो ऐसे समझ नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 2 महीना है दिसंबर और मई, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप याद करके नहीं आ रहे हो, आप दोपहर में धूप में खड़े हो जाना 12 बजे। आप इमेजिन करो दिसंबर के महीने में मैं आपको दोपहर को 12 बजे रोड पे खड़ा कर दिया हूँ, ठीक, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, हद से ज़्यादा आप अपना स्वेटर या जैकेट उतार करके खड़े रहोगे, सन बास्किंग बोलते हैं अंग्रेज लोग उसको, ठीक है, धूप सेंकना। अब अगर आप मई के महीने में 12 बजे खड़े हो गए ना, तो आप धूप नहीं सेक रहे होगे, धूप आपको सेक रहा होगा, ठीक है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, समझ रहे हो अंतर क्या हुआ? सूरज जो है वो बहुत लंबी, मतलब सूरज की किरणें बहुत लंबी दूरी तय करके दिसंबर के महीने में आप पे आ रही थी, लेकिन मई के महीने में जस्ट ऊपर सिर के ऊपर होगा। मई इसलिए लाया क्योंकि जून बोलता तो आप बड़े तेज हो, आप बोलते सर बादल छाया था कि नहीं उस दिन, ठीक है, तो इसलिए मैं जून नहीं लेकर गया, ठीक है, समझ में आया ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अब वापस आ जाओ, ठीक। अब पहला जो ग्रुप है वो है ट्रॉपिकल एरिया, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में। अगर फॉरेस्ट इस क्षेत्र में है, सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, तो क्या पौधों का ग्रोथ पर्याप्त रूप से हो पाएगा? होगा। पौधों को सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो है प्रकाश, क्योंकि अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, दे रिक्वायर लाइट बिकॉज दे मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ये समझना पहला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल। इसीलिए इस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत और वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है गलत? गलत है सर, वनाच्छादन फॉरेस्ट कवर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वनों का जो एरिया है ना वो ऊपर नीचे भी मिल सकता है, खास के ऊपर साइबेरिया वाला मैक्सिमम एरिया वो रशिया ने फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, मैंने बताया ना वन डिक्लेयर कर दो वहाँ पेड़ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर जो स्टेटमेंट था वो सही था, मैं आपको जस्ट कन्फ्यूज़ कर रहा था, जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, इनफैक्ट जो धरती का फेफड़ा लंग्स ऑफ अर्थ जिसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमेजॉन को, वो जो वन है वो भी वहाँ पाया जाता है, लगभग 1/3 जो ऑक्सीजन है उसको रिसाइकल कर रहा है अमेजॉन, ये सवाल भी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, ध्यान रखना। दूसरा ग्रुप, ग्रुप टू, इसमें आएगा, इसके बारे में ये पहला लिखा आपने, दूसरा लिखो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हिंदी में आप लिखोगे पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। यहां पर एक चीज समझना, ये पर्वतीय वाला जो चीज है ना इसको मैं समझाऊंगा आपको अभी। देखो आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो,
ये सवाल मैंने ना जब नीट वालों को पढ़ा रहा था तो पूछा था, तो लोगों ने बोला हाँ सर मिलेगा, और उसका जवाब बड़ा अनोखा था। सवाल पहले सुन लो फिर आपको भी समझ में आएगा। क्या ट्रॉपिकल एरिया में बर्फ मिल सकता है? इन क्षेत्रों में बर्फ मिल सकता है? हाँ, फ्रिज तो नहीं बोलोगे ना, तो मैंने सवाल बदला था। उन लोगों ने बोला हाँ सर मिलेगा ना फ्रिज में। अफ्रीका में एक आदमी बैठा है जिसके फ्रिज में बर्फ है, मतलब बच्चे लोगों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है भाई, 4-5 साल नया नया तब आया था मैं, 5-6 साल पहले पढ़ाने हैं, बच्चे लोग बड़े मजे ले रहे होते थे, हाँ सर मिलेगा कहाँ फ्रिज में, अरे नहीं। फिर मैंने बोला प्राकृतिक तौर पर कहीं पर बर्फ मिलेगा क्या, बताओ? यहाँ तो मिल रहा है, आपने भी थोड़ी देर पहले देखा ना, पोलर एरिया में बर्फ मिल रहा है। क्या प्राकृतिक तौर पर कहीं पर बर्फ मिलेगा? वेरी गुड सर, मतलब उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, कहाँ गया सेलेक्ट, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। देखो ये जो लेटिट्यूड के कारण जो परिवर्तन आ रहा था ना, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश देशांतर है ना, तो इसकी वजह से जो परिवर्तन आ रहा था वही परिवर्तन आपको एल्टीट्यूड के कारण आएगा। ठीक है, आप ऐसा कोई बहुत बड़ा पर्वत जैसे हिमालय ले लो, मतलब 8,800 मीटर के आसपास का ये सारा पर्वत श्रृंखला ऊंचा वाला, आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे, नीचे से ऊपर बढ़ोगे तो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होंगे। किस किस चीज़ में परिवर्तन आएगा? सबसे पहला जो परिवर्तन आएगा वो मेजर परिवर्तन तापमान में आएगा, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही होगी। तीसरा जो परिवर्तन है वो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सघनता पर परिवर्तन आ रहा होगा। ऊपर जो वायुमंडल है वो कम सघन होगा और नीचे ज़्यादा सघन होगा। यहाँ पर सारे भांति भांति की गैसेस, यहाँ पर सिर्फ जो हल्के गैसेस हैं वो प्रेजेंट होंगे, और बाकी जो लाइट गैसेस हैं उनकी के कारण जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वो नाक फट जाता है ना बहुत ऊंचे पे चढ़ने पे, तो ऐसा कोई समस्या है। अब दूसरी बात, यहाँ से ऊपर जाओगे तो इस क्षेत्र में आपको बर्फ देखने को मिलेगा, प्राकृतिक तौर पर मिलेगा ना। याद करो माउंट एवरेस्ट में चढ़े हुए लोग जो झंडे के साथ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा लिखा करके एक फ़ोटो खिंचाते हैं, पीछे क्या दिख रहा होता है, बर्फ ही बर्फ, याद है ना वो फ़ोटो? ठीक है, तो यहाँ बर्फ ही बर्फ प्राकृतिक तौर पर। ठीक है, क्यों दिखाई दिया? जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरता जाता है, हर 100 मीटर पे नहीं, हर 1 किलोमीटर पे 10 डिग्री तापमान जो है वो गिर जाता है, हर 1000 मीटर पे 10 डिग्री। इसको बोलते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, है ना, होता है ना इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान गिरता जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब तापमान जब गिरेगा तो इसका प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ेगा। आपने यूनेस्को मिक्स कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में सुना है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें नीचे वर्षावन मिल रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको टुंड्रा वगैरह में मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉरी टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, और लास्ट में आप जाओगे तो टुंड्रा मतलब जहाँ कोई पेड़ नहीं पाए जाते हैं। सब बताऊंगा विस्तार से, ये चैंपियनशिप पे भी आएगा। तो ये दो चीज़ ज्योग्राफी से आप समझ गए ना इस चीज़। तो यहाँ से पोल की तरफ जाने में जो परिवर्तन आता है वही नीचे से ऊंचाई पे जाने पे परिवर्तन आएगा। आपको पता है कि एक ट्री लाइन होता है इस आसपास में, उसके ऊपर किसी तरीके के पेड़ नहीं पाए जाते। यहाँ पर भी एक ट्री लाइन होता है, उसके ऊपर में किसी तरीके के पेड़ नहीं पाए जाते। आज तक एवरेस्ट में चढ़े हुए किसी आदमी का आपने फोटो देखा है जिसके पीछे कोई पेड़ पौधा नहीं? ठीक है, जब आप लद्दाख जाते हो तो वो पूरी तरह से एक रेगिस्तान है, वहां पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो हो गया सेकंड। तीसरा आप डालोगे जो ग्रुप है वो है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, जो तीसरा ग्रुप है वो है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्वतीय शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन। जो ग्रुप चौथा है उसके बारे में भी लिख लो, और ग्रुप पांचवा भी, ग्रुप 4 and ग्रुप 5। ग्रुप 4 जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में, उसके बारे में लिखना, सब अल्पाइन फॉरेस्ट यहां पर है, अल्पाइन फॉरेस्ट के पहले वाले, इसको आप बोलते हो सब अल्पाइन फॉरेस्ट।
उप अल्पाइन वन, और यहाँ पर आप लिखोगे अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन वन। ये आपके पांच कैटेगरी हैं, इसके अंदर सब कैटेगरीज जो मिला करके आप वन का विभाजन करोगे। अगला पेज जो है वो आप खाली छोड़ोगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखोगे, लिखो होमवर्क, चैंपियन एवं, मतलब यहीं पे जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ वहीं पे लिख लो, वहीं पे सवाल इसके जस्ट पीछे लिख लो, उसका जवाब के लिए एक पेज छोड़ना, क्योंकि आपको 16 कैटेगरी के बारे में क्या लिखना है। लिखो चैंपियन एवं सेठ के अनुसार, चैंपियन एवं सेठ के अनुसार 16 प्रकार के वनों के वनस्पति कौमा वर्षा कौमा तापमान की सारणी बनाएं। अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेठ मेक अ टेबल ऑफ वेजिटेशन कॉमा प्रेसिपिटेशन कॉमा टेम्परेचर। तो आपको कैसे बनाना है वो भी बताता हूँ। आपको लिखना है ग्रुप वन, ग्रुप वन का नाम क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर इसमें आएगा नीचे टाइप, प्रकार, पहला दूसरा ऐसे करके सातवां, आप इसके नाम लिखोगे ठीक है सभी के। फिर आगे यहाँ पे लिखोगे वनस्पति वेजिटेशन, फिर आगे लिखोगे टेम्परेचर, आप लिखोगे प्रेसिपिटेशन, और ये जो है ये एनुअल मीन है ना, वार्षिक औसत, वार्षिक औसत तापमान कितना होता है और वार्षिक औसत प्रेसिपिटेशन कितना होता है। कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट से। आप इंटरनेट में ढूंढोगे आपको आसानी से मिल जाएगा, जिनके पास मणिकंदन ने एक टेबल बन रखा है ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हो। ये आप लिखोगे तो आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो मैं बात करूंगा कि ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ये आप लिख लोगे ना तो मैं समझाऊंगा कि आपने जो लिखा है उसमें जो अंतर आ रहा है वो कैसे, इनका और इनका सम्मिलित अंतर कैसे आपके वनस्पति पर पड़ रहा है। और आपको पता है ना कि ये जो वनस्पति जो है किसी भी क्षेत्र के वो निर्धारित किए जाते हैं वहाँ के औसत जो भी जलवायु के लक्षण हैं, वर्षा कितनी पड़ रही है या वहाँ पर तापमान कैसा है। जैसे आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम है और तापमान बहुत ज़्यादा है, वर्षा कम है, कितना कम, 75 सेंटीमीटर से कम, औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है और जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर इन दोनों में से क्या मिलेगा, साल या टीक। साल या टीक, जब आप कर जाओगे वो पूरा 16 का 16 कैटेगरी तो आप बोलोगे सर ना तो साल मिलेगा और ना टीक मिलेगा, यहाँ मिलेगा बबूल, बबूल बबूल पैसे वसूल ठीक है, तो ये वाला बबूल ठीक। चलिए तो यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, ऑनलाइन वालों को अलविदा, अब ये लास्ट मेरा ओपन क्लास था, इसके बाद सारे अनलिस्टेड क्लास होंगे, पंकज सर के आएंगे ओपन क्लास पता नहीं, क्योंकि अब हम थोड़ा टेक्निकल पे घुस गए हैं, फिर फ़ायदा क्या होगा आप लोग के यहाँ बैठने का ठीक है। आप लोग में से ऑनलाइन जो चाहें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वैसे ऑनलाइन वाले बड़े अच्छे हैं, इन लोग ना माहौल बना करके रखते हैं, वो बीच बीच में उनके कमेंट पढ़ता रहता हूँ। चलिए थैंक यू।